अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज अप्रैल का स्टार्ट है, बल्कि 2-3 तारीख हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं स्नोफॉल हो रही है। इस मुल्क को अल्लाह पाक ने गर्म तरीन इलाके भी अता फरमाए हैं और दुनिया के ठंडे तरीन इलाके भी अता फरमाए हैं। दुनिया के पहले तीनों बुलंद पहाड़ी सिलसिले जो हैं अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को अता फरमाए हैं। मैं 180 लेवल से तकरीबन 15,000 फीट पे हूँ, खुजराब नेशनल पार्क में हूँ। तो आप देख सकते हैं नज़ारा माशाल्लाह। पाकिस्तान में आप 12 महीने बर्फानी नज़ारे देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। ये बड़ा प्यारा सा जंगली जानवर यॉर्क, जिस पे 2 दिन पहले स्नो लेपर्ड ने हमला किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बच गया। तो खैर, खा भी जाता तो ये निज़ामे कायनात है, ये चीज़ें उनके लिए हैं और हमारे लिए। तो ये आप देखें, सारा खून का भरा हुआ है। आए आपको कैमरा आगे करते हैं। ये देखें, बेचारा बुरी तरह से मुतासर है। ये इसके टैग के ऊपर भी ब्लड लगा हुआ है, तो अभी इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। ये अपने से ऊंची इसके ऊपर बर्फ हो तो ये बर्फ में भी जिंदा रहता है। ये यॉर्क है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। मैं हूँ इस वक्त खुंजराव नेशनल पार्क में और ये आप सामने देख सकते हैं, आज मुझे मिले हैं आईबैक्स। ट्रॉफी नहीं है इनके सर पे, ये मारखोर की किस्म है। अगर इस किस्म का कोई और नाम हो तो मैं आपसे पेशगी माजरत चाहता हूं, लेकिन मेरे नाकिस इलम के मुताबिक ये आईबैक्स है। ये पालतू जानवर नहीं है, बल्कि जंगली जानवर है जो इन पहाड़ों में रहता है। सुभान अल्लाह।